हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक फोर्स एनालिसिस में दूसरा जो मेथड है जिसका नाम है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था ग्राफिकल मेथड से, तो उसी क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे, अब एनालिटिकल मेथड से। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बना रखा है, आप उस वीडियो में भी देख सकते हो। तो ये जो डायग्राम है इससे हमें जो मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है आप वो देख लेना। ठीक है, मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी है वो क्या, जीरो। मतलब ये जो स्लाइडर है और इस स्लाइडर का जो मास है वो क्या ले रखा, जीरो। फिर है मास ऑफ जो थ्री लिंक, मतलब कि ये जो नंबर जो थ्री लिंक है, थ्री नंबर का जो लिंक है उसका मास कितना गिवन है, 0.1 kg। ऐसे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, ओ भी गिवन है, ओ से बी जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। ए से जी, यहाँ से और ये जो जी है इसकी जो डिस्टेंस गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर। ए से बी आपको कितना गिवन है, 32 सेंटीमीटर। वेलोसिटी ए गिवन है यहाँ पर, वो कितने, 20 मीटर पर सेकेंड। वो क्या, कॉन्स्टेंट है इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेसिकली क्या निकालना है, इस पर एफ ए फाइंड आउट करना है। ये एफ ए, और वो एफ ए किस पे लग रहा है, लिंक नंबर थ्री पर। तो लिंक नंबर थ्री का ही हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले आपको इसका क्या पता, क्योंकि इसका मास भी गिवन है तो इसका हमें क्या निकालना चाहिए, क्योंकि ये हम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज़ करेंगे इसमें। तो आपके लिए जो वैल्यू जो होती है एफ जी, मतलब एक्सलरेशन ऑफ किसका, सेंटर ऑफ मास का, और ये जो दूसरी वैल्यू हो क्या, एंगुलर एक्सलरेशन ऑफ लिंक का। ठीक है, बॉडी का, तो ये हमें पहले ही हमने कैलकुलेट कर ली थी। ये बेसिकली क्वेश्चन में भी गिवन होती है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको ग्राफिकली मेथड से ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ये वैल्यू हमें पहले भी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कैसे सॉल्व करनी है। तो एफ जी और अल्फा थ्री आपको ये गिवन है, तो वी फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ए, हमें क्या निकालना है, एफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो किस पे लग रहा है, लिंक नंबर थ्री पर। तो लिंक नंबर थ्री का क्या बनाना है हमें, एफ बी डी बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है लिंक नंबर थ्री का। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, टू थ्री लगाएगा, एक एफ ए जो हमें फाइंड आउट करना है, अल्फा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, माइनस आई थ्री अल्फा थ्री। ठीक है, ये आपको एंगल पहले से गिवन है, एक्स ये इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये वाला जो फोर्स है माइनस एम थ्री एफ इंटू जी। ओके, और जो दूसरा जो फोर्स लग रहा है इस पे बी पॉइंट पर लग रहा है वो क्या है, फोर्स ड्यू मतलब कि थ्री पर लग रहा है बाय फोर के द्वारा। तो हमें क्या करना है इसमें, वही स्टैटिक फोर्स का एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसमें तो स्टैटिक फोर्स एनालिसिस में हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ टॉर्क का करते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, और क्या करते हैं, समेशन ऑफ फोर्स का। तो टॉर्क लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या लेना है, टॉर्क लेना है। तो जब हम टॉर्क लेंगे तो इसके अबाउट ये दोनों जो क्या हो जाएंगे, जीरो। तो टॉर्क किसकी वजह से आएगा, इस वाले फोर्स की वजह से, इस वाले फोर्स की वजह से, और ये जो पहले से टॉर्क लग रहा है इस पे, तो हमने क्या लिया, आर जी ए इंटू में माइनस दिस वैल्यू, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस यहाँ से इंटू में दिस, ऐसे क्या लेंगे, प्लस ये वाला जो फोर्स इंटू में ये वाली जो डिस्टेंस। ठीक है, और ये वाला इसमें क्या करना है, ऐड करना है माइनस, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, पहले से ही टॉर्क ही है, इज इक्वल टू जीरो। तो इस ये सिचुएशन को फर्स्ट मान करके आपको क्या निकालना है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एनालिटिकल में आपको सिंपली वैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होता है सभी को। तो आर जी ए को क्या लिखेंगे, वैक्टर्स की फॉर्म में। तो ये जो डिस्टेंस है कितनी है, 0.15 पहले से क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल भी आपको गिवन है ये वैल्यू। ये नेगेटिव इस वजह से लिया क्योंकि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से ले रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे तो नेगेटिव नहीं लेंगे। तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, तो ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये बेसिकली ये है 0.15 कॉस माइनस 38.69 आई कैप प्लस ऐसे क्या आएगा, साइन माइनस 38.69 जे कैप। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखा। अब क्या हुआ, ये वाले वैल्यू फाइंड आउट करने, माइनस एम थ्री एफ इंटू जी। तो माइनस एज इट इज, मास ऑफ लिंक कितना गिवन है, 0.1। एफ जी हमें कितना निकाला था हमने पहले से, ये जो एफ जी था कितना है, 133.5, और एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, माइनस 133, तो ये वैल्यू आ गई आपकी है। ठीक है, आई कैप आपको ये ध्यान रखना है, ये आई इंटू जे, क्यों आई यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इन आई डायरेक्शन में। अब ये वाली वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब इस पे आते हैं, आर बी ए पर और फोर थ्री पर। आर बी ए क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है, तो आर बी ए को कैसे लिखेंगे, 0.32, और एंगल क्या है, सेम ही एंगल फॉर्म कर रहा है ये एक्स एक्सिस से, ये वाला एंगल नेगेटिव वाला। ठीक है, तो हमने लिखे माइनस 38.69, तो इसको भी वैक्टर फॉर्म में लिख लिया। ऐसी फोर थ्री, फोर थ्री किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर थ्री का हमें वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन जे कैप पता है। और जो लास्ट जो वैल्यू हो क्या है, माइनस आई थ्री अल्फा थ्री, इसको निकालते हैं। आई थ्री आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, अल्फा थ्री हमें पहले से निकाल रखा है, ये रहा अल्फा थ्री की वैल्यू। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर क्या पुट करना है, माइनस ये इंटू में के, के क्यों ले रखा है हमने, आप अल्फा ये वाली जो वैल्यू लोगे जब इसको इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है, तो ये किस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आप ये जो पुट करने के बाद आई न्यूटन मीटर, मतलब हमें सही वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ये वैल्यू मिल गई, ये भी मिल गई, और ये इज इक्वल टू जीरो। लेकिन हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इसके और इसका, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट इसका और इसका, ठीक है। ये वैल्यू पहले से ही नोन है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे, टॉर्क, और टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो पहले इन दोनों का क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आर जी ए इंटू में क्रॉस ए आई जे के, पहले आर की वैल्यू पुट करनी है, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के, ऐसे की आप पुट करना है इसके कंपोनेंट। तो ये वैल्यू आ गई आपकी ये वाली, ऐसी दूसरी जो वैल्यू है आर बी इंटू फोर थ्री वाली, आर बी इंटू फोर थ्री की, तो ये वैल्यू आई आई जे के कैप ए, इसको आपको क्या पुट करना है, आर बी ए की वैल्यू पुट कर देनी है, और पहले फिर फोर थ्री की, ये आपको ध्यान रखना है, पहले आर बी ए आता है, ठीक है, टॉर्क निकालते समय उल्टा मत करना, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आ गई हमें इस फॉर्म में। अब ये और ये इसको कहाँ पर रख देना है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम यहाँ से वैल्यू आई उसको यहाँ रखा, प्लस में यहाँ से जो वैल्यू ये, और प्लस में आई थ्री अल्फा थ्री की जो वैल्यू ये वाली, इसको इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आया हमारा, एफ फोर थ्री की वैल्यू आ गई हमें, ठीक है। ये वाला जो फोर्स है वो हमें फाइंड आउट हो गया, हमें निकालना कौन सा फोर्स है, एफ ए। तो हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन जो होती है स्टैटिक फोर्स एनालिसिस में, वो क्या होता है, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो उसको करते हैं। तो फोर्स बैलेंस जब लगाएंगे, कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे हैं लिंक पर, ये वाला फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है, और ये वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स नहीं, ये क्या है, टॉर्क है, ठीक है। तो फोर्स कौन सा लग रहा है, ए, ए वाला जो फोर्स लग रहा है, ये वाला जो फोर्स कहाँ पर है, ये वाला इन वाई डायरेक्शन में, प्लस टू एग्जर्टेड ऑन थ्री पर, तो ये वाला जो फोर्स है इन एक्स डायरेक्शन में। और तीसरा जो फोर्स है वो कौन सा है, ये वाला फोर्स लग रहा है, और फोर्थ वाला जो फोर्स है ये, तो विद डायरेक्शन के साथ इज इक्वल टू जीरो। तो इस पे क्या करना है, जे वाला जो कंपोनेंट, क्योंकि हमें यही तो फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आई आ रहा है, इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को इज इक्वल टू क्या रखना है, जीरो के। तो आपको जो इक्वेट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए इज इक्वल टू माइनस, और हमें ये वाली वैल्यू पहले से ही पता है, तो एफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस वैल्यू, मतलब हमें फोर्स मिल गया ये वाला। तो ये क्या होता है, एनालिटिकल मेथड होता है। एनालिटिकल में आपको सभी वैल्यू को क्या है, आई जे के की फॉर्म में रखना होता है, और इसमें दो मतलब कि इक्वेशन निकालनी होती है, समेशन ऑफ टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट, और दूसरा समेशन ऑफ फोर्स की। इससे आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ जो आपको अननोन है। तो ये क्या था हमारा, एनालिटिकल मेथड था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।